चाकुले के सहकार मित्र मधुकर सहकारी पतपेढ़ी लिमिटेड मुंबई शाखा के प्रबंधक योगेश आरोटे ने शनिवार सुबह पतपेढ़ी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मामले में रामनगर पुलिस स्टेशन में खुदकुशी का मामला दर्ज किया गया है। ठाकुरले के नौनंदा सोसाइटी में आरोटे रहते थे। ठाकुरले में बूटाजी टावर के ग्राउंड फ्लोर में मधुकर सहकारी पतपेढ़ी की शाखा है, जहां उन्होंने फांसी लगाई है। क्लर्क अमित चौधरी शनिवार सुबह कार्यालय आए तो उन्होंने देखा कि योगेश ने बैठक कक्ष में आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने रामनगर पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस उप निरीक्षक मनोहर घडागे और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। योगेश की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद खत्म करना चाहता हूं। इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। रामनगर पुलिस स्टेशन में खुदकुशी का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच मनोहर घडागे द्वारा की जा रही है। योगेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुकमणी बाई के पास भेज दिया गया है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश आहेर ने दी है। मैं डोंबोली पुलिस थाने में कार्यरत था आज सुबह, तो हम लोग को खबर मिला कि पतपेढ़ी है ठाकुरले में धर्माधिकारी हॉल के पीछे। तो हम तुरंत आए, देखा तो उनकी जो बैठक थी, मीटिंग का रूम है, मीटिंग के रूम में फैन है, छत का फैन है, फैन में नायलन के रस्से से उनके का काम करने वाले आदमी ने सुसाइड करके लिया। नोट्स मिला है उनके, इसमें जेब था, जेब के अंदर ये जो नोट्स मिला है, मैं अपना जीवन समाप्त करता हूँ, इसमें दोषी कोई नहीं। इस आइए मामले का चाहिए तहकीकत चालू है। देखिए, अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।